मैं हूँ कविता। भारत रत्न से सम्मानित देश के पूर्व पीएम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या खूब कहा था, हम दोस्त तो बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। और ये लाइन हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर सटीक बैठती है। जब जब भारत ने पाकिस्तान पर भरोसा करने की गलती की, तब तक पाकिस्तान से धोखे के सिवा कुछ नहीं मिला। फिर चाहे कारगिल युद्ध हो, संसद अटैक हो, मुंबई हमला, पठानकोट हमला या फिर उरी अटैक, ये वो जख्म हैं जो पाकिस्तान ने आतंकी आड़ में भारत को दिए। भले इस वक्त पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान की सरकार हो जो दोस्ती की दुहाई दे रहे हैं, भारत एक कदम बढ़ाएगा, हम दो कदम बढ़ाएंगे जैसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हों, लेकिन उनका पाखंड भी सबके सामने आ गया है। उनके एक ट्वीट ने उनके चेहरे से नकाब हटा दिया है। असल में बीते अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच एक बैठक होनी थी जिसे भारत ने रद्द कर दिया। भारत के इसी कदम से पाकिस्तान ऐसा बौखलाया कि वजीर आजम इमरान खान ने अपने ट्वीट में बिना पीएम मोदी का नाम लिए उन पर तंज कसा। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, बड़े दफ्तरों में बैठे छोटे लोगों की वजह से कई समस्याएं बढ़ती हैं, क्योंकि इन लोगों के पास वो विजन नहीं होता कि वो स्तर पर चीजों को देख सके। तो इस ट्वीट पर अब जाकर इमरान खान की सफाई आई है। एक चैनल से बात करते हुए इमरान खान ने कहा कि ये ट्वीट उन्होंने पीएम मोदी को लेकर नहीं किया था। हालांकि इमरान ये भी नहीं बता रहे हैं कि ये ट्वीट उन्होंने किस पर किया था। तो देखा आपने, ट्वीट के जरिए इमरान खान के दिल की बात तो सबके सामने आ गई, लेकिन उनकी जुबान पर अभी भी कुछ और है। ऐसे में इमरान खान को पाखंडी ना कहें तो फिर क्या समझें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।